एक फेमस यूट्यूबर है, हम उसकी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। क्या मनीष कश्यप प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया? क्या मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया? अब बहाना मेरा है कि सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। एक मनीष कश्यप को जो लोग बोलता है यूट्यूबर, कुछ लोग हैं जो चाह ही नहीं रहे कि हाँ जब मनीष कश्यप बिहार में आए। एक यूट्यूबर की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो 13 करोड़ आबादी वाले जनसंख्या को आप सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? हम लोग टैक्स पेयर है, मेरे भाई भी टैक्स पेयर का है। एक टैक्स पेयर वाला फैमिली को आप सुरक्षा दे सकते हैं तो आम जनता तो कुछ भी टैक्स नहीं पे करती है, उनको कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? जब जैसे ही वो आता है उत्साह एक ठो लोगों के अंदर आ जाएगी, आवाज उठेगा और बुलंदी तरह से आवाज उठेगा, कहीं उसके डर हो। आज जो कोर्ट में बहस चली है तो क्या उम्मीद दिखा आप लोगों को? बहस में खुद जज साहिबा बोली कि हाँ जी क्या बहाना मार रहे हैं आप लोग, डेट पे डेट ले रहे हैं लोग। हमारे वकील साहब भी बोले कि दुरुपयोग हो रही है कोर्ट की। अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया, और आज जो 10 जुलाई है और 10 जुलाई को बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप को पेशी करनी थी, मगर आज भी मनीष कश्यप को यहाँ पेशी नहीं की गई, और उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले, उनके समर्थक जो भी लोग थे यहाँ पे आए थे और निराश होकर लौट गए। उनके भाई भी हैं यहाँ पे करण कश्यप, जो ये भी आए हुए थे उनसे मिलने या उनसे कुछ कहते, फिर भी ये आज निराश होकर लौट रहा है। विशेष बात इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में क्या हुआ, आगे का क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है, मनीष कश्यप आएंगे या नहीं आएंगे, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, आज मनीष कश्यप का यहाँ पे पेशी होने वाला था, नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? सिर्फ आज की बात नहीं है, ये लगभग शायद थर्ड या फोर्थ डेट था, और पर डे आदमी सोचता है कि हाँ आज आएगा और आगे की जो केस की है उसको प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाह ही नहीं रहे कि हाँ जब मनीष कश्यप बिहार में आए। इसके पहले क्या मिलती, ये मिलती कि हाँ जब मनीष कश्यप तमिलनाडु सरकार ने बोली भेजी थी, एक फेमस यूट्यूबर है, हम उसकी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तमिलनाडु पुलिस बोली है, तमिलनाडु गवर्नमेंट बोली थी, अब तमिलनाडु जो भी हो वो बोलती कि हम उसकी सुरक्षा नहीं दे सकते, उसके पास फैन फॉलोइंग ज्यादा है। भाई मेरी गलती है, अब आपके पास लोगों का प्यार मिल जाए तो आपकी गलती है क्या? तो वह गलती तो नहीं है। देखिए बिहार वाले कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को चाहते हैं और उनका कहीं ना काम जो है पसंद आता है बिहार के लोगों को, तब तो आज चाह रहे हैं। और आज नहीं, कई दिनों से मतलब उनको इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आज आए, बिहार आए, कल आए, ऐसे इंतजार कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है? गलती आप सबको पता है और सारे बिहार वासियों को पता है। अब बहाना मेरा है कि सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। एक मनीष कश्यप को जो लोग बोलता है यूट्यूबर, एक यूट्यूबर की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो 13 करोड़ आबादी वाले जनसंख्या को आप सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? अगर कल होकर कोई मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है या कोई भी बड़े नेता आता है, क्या आप उसे सुरक्षा नहीं दोगे? सिर्फ मनीष कश्यप की सुरक्षा के लिए ये बहाना क्यों दिया जाता है? क्या मनीष कश्यप प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया? क्या मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया? नहीं हुआ, फिर भी आप ये बहाना मार रहे हो कि यहाँ से सुरक्षा उसकी नहीं दे सकते हैं। कभी ये बहाना मिल रही है, कभी बोल रहे कि हाँ एक फेमस यूट्यूबर है उसकी सुरक्षा में चूक हो सकती है, ये बहाना मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या बहाना मिल रही है। हम लोग टैक्स पेयर है, मेरे भाई भी टैक्स पेयर का है, मैं भी टैक्स पेयर का हूँ, मेरे फादर भी टैक्स पेयर है। एक टैक्स पेयर वाला फैमिली को आप सुरक्षा दे सकते हैं तो आम जनता तो कुछ भी टैक्स नहीं पे करती है, उनको कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? ये सुरक्षा का कहीं ना हवाला दिया जा रहा था, इसके अलावा दूसरा भी कोई कारण हो सकता है बिहार ना लाने का? बिहार ना लाने का बस सारे लोग जानते हैं, एक लोगों का प्यार उसके साथ है, लोगों में एक जब जैसे ही वो आता है उत्साह एक ठो लोगों के अंदर आ जाएगी, आवाज उठेगा और बुलंदी तरह से आवाज उठेगा, कहीं उसके डर हो, मे भी हो सकता है उसका डर हो। अच्छा आज जो कोर्ट में बहस चली है तो क्या उम्मीद दिखा आप लोगों को? बहस में खुद जज साहिबा बोली कि हाँ जी क्या बहाना मार रहे हैं आप लोग, डेट पे डेट ले रहे हैं लोग। हमारे वकील साहब भी बोले कि हाँ जी कंडक्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कोर्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, कोर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं माना जा रहा है। हमारे वकील साहब भी बोले कि दुरुपयोग हो रही है कोर्ट की। फिर देखिए सुनवाई होती है। ये कौन से केस में उनका यहाँ पे पेशी होने वाला है? एक केस है मझौलिया वाला केस है, उसमें पेशी होने वाला है मझौलिया वाला केस में। देखिए मनीष कश्यप जो है काफी ज्यादा फेमस है और बिहार नहीं पूरा इंडिया लेवल पर कह लीजिए फेमस है, और उनका सुरक्षा के लेकर के हवाला दिया जा रहा है कि सुरक्षा नहीं
बढ़ा पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नहीं हम ला पा रहे हैं। तो बिहार के एक आम यूट्यूबर को अगर सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, जैसे भैया साहब भी बोला है कि एक आम आदमी को सुरक्षा, एक यूट्यूबर है उनको सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो भी लोग जानता है उन लोगों को सुरक्षा कैसे दे पाइएगा। विशेष करके उनके जो भी यहाँ पे फैन फॉलोइंग वाले हैं, उनके फैंस हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कहाँ से आए हुए हैं। मोतिहारी से। क्या करना है मोतिहारी से यहाँ? मनीष कश्यप से भेंट करने के लिए आया है। अच्छा, आपको मतलब कैसे लगता है कि मनीष कश्यप से भेंट करने यहाँ पे आ जाइएगा और बिहार पुलिस या तमिलनाडु पुलिस यहाँ पे ले आकर मनीष कश्यप को पहुँचा देगी? ये तो बिहार पुलिस की बहुत ही बड़ी गलती है। ऐसे हमारे बिहार को, शेर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब दुख आपको भी है? बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। अच्छा, अगर बिहार पुलिस आई या तमिलनाडु पुलिस यहाँ पर मनीष कश्यप को नहीं लाती है तो आप लोगों को क्या कीजिएगा? उनके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, बहुत भारी आंदोलन करेंगे। तो अभी हम थे यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि बेतिया कोर्ट के सामने, और यहाँ पे उनके आज केस की सुनवाई हुई है। उसके साथ में यहाँ पे मनीष कश्यप की यहाँ पे पेशी होने वाली थी मगर नहीं हुई। हालांकि जो भी उनके समर्थक लोग है आए थे यहाँ पे उनके देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, मगर उनसे नहीं मिले, नहीं देख पाए, निराश होकर लौट गए। उनके भाई भी आए, वो भी निराश होकर यहाँ से आज जा रहे हैं। विशेष आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस केस को लेकर, मनीष कश्यप के बारे में क्या आपका राय, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जाए।